हाय गाइस, मैं हूं बासिद हुसैन और एक बार फिर आपका स्वागत है देसी लॉयर चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईपीसी की धारा 379 के तहत क्या कार्रवाई होती है और आईपीसी की धारा 411 के तहत क्या कार्रवाई होती है। आईपीसी की धारा 379 जो चोरी के लिए लगाई जाती है और आईपीसी की धारा 411 जो चोरी किया हुआ माल है अगर वो बरामद हो जाता है तब लगाई जाती है। इन दोनों धाराओं में हम किस तरीके से जमानत ले सकते हैं, जमानत में कितना खर्चा आता है, कितना समय लगता है और कहाँ हमें आवेदन करना है जमानत का, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे डिटेल में। और साथ ही हम ये भी जानेंगे जो पीड़ित पक्षकार है, जो मुद्दई है इस मुकदमे का, जो वादी है, वो एक्यूज्ड से, जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, उससे समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है तब उस स्थिति के अंदर हम इस केस को किस तरीके से समाप्त करवा सकते हैं। अगर वो तैयार नहीं भी होता है समझौता करने के लिए तब हमें किन तरीकों का इस्तेमाल करके इस केस से बच सकते हैं, बरी हो सकते हैं, सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे जमानत से लेकर इसके संपूर्ण निस्तारण तक। तो आपसे मैं एक चीज़ यहाँ कह दूँ, अगर आप इस वीडियो को भगा भगा के देखेंगे, आप इसको बीच बीच में काट पीट के देखेंगे तो आप वीडियो अभी ना देखें। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी आप इसमें अपना टाइम देंगे वो बर्बाद नहीं होगा। अगर आपको टाइम बर्बाद लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे गाली दे के चले जाना। आप पूरी वीडियो देखें, लास्ट तक देखें, आपके आपके परिवार के सदस्यों के, आपके रिलेटिव के वीडियो ज़रूर काम में आएगी किसी न किसी के। तो अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही आपको लीगल टॉपिक पर नई नई वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीसी की धारा 379 में 3 साल तक की अधिकतम सज़ा हो सकती है और इसमें पुलिस वाले को तुरंत गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। 411 में भी 3 साल तक की अधिकतम सज़ा हो जाती है और इसमें भी पुलिस वाले को गिरफ़्तार करने की तुरंत अधिकार है, वो तुरंत ही गिरफ़्तार करके जेल भेज सकता है ऐसे मामले में। अगर किसी आरोपी की गिरफ़्तारी नहीं हुई है तो वो एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है। एंटिसिपेटरी बेल अगर कोई बड़ी बरामदगी नहीं है तब उसको आराम से मिल जाती है। और अगर जो आरोपी जेल जा चुके हैं, जेल के अंदर बंद हो गए हैं, उसने जो पुलिस वाला है उसने जेल भेज दिया उनका चालान करके, तो उनको अगर कोई बड़ी बरामदगी नहीं है, मान लीजिए कि 10-20 बाइकों का मामला नहीं है या कोई बड़ी लाखों करोड़ों की कोई बरामदगी नहीं है, तो उसको जमानत बहुत ही आराम से मिल जाती है। मान लीजिए कोई बकरी का या भेड़ का या 1,000, 2,000, 4,000, 20,000, 50,000 का मामला कोई है तो उसमें भी जमानत सेशन कोर्ट से आराम से हो जाती है। और सिर्फ अगर 379 का मामला है, बरामदगी नहीं है और उसमें आरोप दिखाया गया है कि इसने 1 लाख या 2 लाख रुपए हमारे चुराए हैं, तो उसमें लोअर कोर्ट भी कभी कभी बेल दे देता है। 379 का अगर कोई हल्का फुल्का मामला है, यानी फ़ोन चोरी का है या पर्स चोरी का मामला है, इस तरीके का कोई मामला है, तो इसमें भी लोअर कोर्ट जमानत दे देता है। इसमें अगर टाइम पीरियड की बात करें हमें तो 4 से 5 दिन में बेल हो जाती है। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है बरामदगी के ऊपर और आरोप के ऊपर कि कितने अमाउंट का आरोप आरोपी पर लगा है, उसके हिसाब से टाइम पीरियड के अंदर बेल हो जाती है। बेल नॉन अवेलेबल ऑफेंस है दोनों में, 379 में भी गैर जमानती अपराध है और 411 में भी गैर जमानती अपराध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जमानत नहीं मिलेगी। जमानत बिल्कुल मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपकी बरामदगी के हिसाब से। छोटी मोटी कोई बरामदगी है तो आपको लोअर कोर्ट से जमानत हो जाएगी 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर। और कुछ मान लो कुछ ऐसी कोई बरामदगी दिखा दी है, लाखों में है, या कोई बहुमूल्य वस्तु की बरामदगी है, तो उसमें सेशन कोर्ट भी बेल दे देता है। और बाकी अगर कुछ ज़्यादा है, कोई बड़ी बरामदगी है, फिर भी हाई कोर्ट उसमें जमानत दे ही देता है अधिकतम मामलों में। और अगर हम जहाँ तक फ़ीस की बात करें, इसमें लॉयर कितनी फ़ीस लेते हैं, तो वो भी इसको बरामदगी के हिसाब से ही लॉयर भी फ़ीस लेते हैं। अगर कुछ छोटी मोटी बरामदगी है तो आपकी ये बेल नॉर्मली, जैसे यूपी की अगर मैं बात करूं, तो 4 से 5 हज़ार रुपये में बहुत आराम से वकील करा देते हैं, ठीक ठाक लॉयर करा देता है 4 से 5 हज़ार रुपये में आपकी बेल। और अगर कोई बड़ी बरामदगी है तो उसमें आप 10 से 15 हज़ार रुपये मान के चलिए सेशन कोर्ट तक,
10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। अगर किसी चीज़ की बड़ी बरामदगी है, बड़ा आरोप है और सेशन कोर्ट से बेल खारिज हो जाती है, तब उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। तो हाई कोर्ट में भी हम 20 हज़ार लगभग में जमानत ले सकते हैं। और अगर जब सेशन से जमानत होती है या फिर लोअर से जमानत होती है, तो उसमें 20-20 हज़ार रुपये की अगर लोअर से होती है तो जमानती मांगते हैं, वो अधिकतम 20 ही हज़ार के मांगते हैं, और सेम डे बेल बॉन्ड पेश हो जाते हैं और फिर जमानत पे जो आरोपी है वो रिहा हो जाता है। बेल बॉन्ड क्या है ये भी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और सेशन कोर्ट में उसके तस्दीक होते हैं बेल बॉन्ड, उसके बाद वो जो रिहाई जाती है रिलीज ऑर्डर, उसके बाद वो वापस आ जाता है। तो ये तो रहा जमानत की प्रक्रिया। और हम बात करें अगर इस केस को ख़त्म करने की, अगर जो पीड़ित पक्षकार है, जो वादी है, जो मुद्दई है, इस केस को अगर ख़त्म करवाना चाहता है, तब CRPC 320 में प्रोविज़न है 379 और 411 के लिए, जो पीड़ित पक्षकार है, जो वादी है, मुद्दई है, एक एप्लीकेशन देके विद एफिडेविट के साथ कोर्ट में पेश करेगा, अगर कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गई है तो। अब आपको अगर चार्जशीट पता नहीं है चार्जशीट क्या है, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चार्जशीट अगर कोर्ट में फाइल हो गई है तब 320 की एप्लीकेशन देके सेम डे ही पूरा केस ख़त्म हो जाएगा 379 411 का। और अगर चार्जशीट पेश नहीं हुई है तब आप थाने से ही पूरे मामले को ख़त्म करवा सकते हैं एक एप्लीकेशन देके वादी की तरफ से। और अगर वादी तैयार नहीं है मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, समझौता करने के लिए, तब इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप बेल कराएंगे, बेल कराने के बाद आप अपना चार्ज बनवाएंगे, चार्ज फ्रेम। चार्ज फ्रेम क्या होता है अगर आपको पता नहीं है, वो आरोप पत्र होता है, जो भी घटना होती है उसके बारे में मजिस्ट्रेट जज लिखता है कि फला फला आप पे आरोप लगाया जाना है, ये बोलते हैं इसको चार्ज। हम चार्ज फ्रेम होगा आप पर, जितने भी आरोपी हैं उन सब के खिलाफ। उसके बाद नोटिस जाएगा वादी के पास, वादी के पास नोटिस जाएगा, उसको सुना जाएगा, उसके बाद उसके गवाहों को सुना जाएगा, उसके बाद की प्रक्रिया ये है। फिर उसके जो एविडेंस डॉक्यूमेंट सारी चीज़ देखने के बाद फिर जो आरोपी है उसको सुना जाएगा और उसके गवाहों को सुना जाएगा। अगर कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं, कोई शक का भी अगर कोई मामला बनता है कि अगर ये भी संदिग्ध लगता है कि इसने चुराया है या नहीं चुराया, तो ऐसे मामले में भी आप बरी हो जाते हैं। इसमें एक सिंपल सा एक तरीका ये है इसमें बरी होने का आपको, कि आप उसमें जो भी डेट हैं उसमें प्रॉपर जाएं, आप गैर हाजिर ना हो, न्यायालय के सामने जज के सामने अपनी नेगेटिव इमेज ना बनने दें और अच्छा लॉयर करें, निश्चित आपकी विजय होगी। अगर कोई बड़ी बरामदगी नहीं है, कोई छोटे मोटे मामले में जज किसी को ऐसे सजा नहीं करता है। तो अभी भी अगर इस मामले से जुड़ी 379-411 से जुड़ी कोई क्वेरी है या कोई और क्वेरी है लॉ से रिलेटेड, तब आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करा के। और अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं किसी लॉ टॉपिक पर, तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या बुरा लगा है, कुछ भी लगा है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ये बताएं ज़रूर कि यहाँ पर आपकी वीडियो में ये कमी थी या आपकी वीडियो में ये अच्छाई है, मेरी मदद हुई है। तो इससे ना मुझे आगे और वीडियो बनाने में काफ़ी कुछ हेल्प होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।